हेलो फ्रेंड्स, रूपी झा के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे से हो, ठहरना भी चाहिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही चटपटा यहाँ पर में मठरी बनाएंगे, जो हम लोग शाम के चाय के साथ ले सकते हैं। और यहाँ पर में बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अमेजिंग है। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक परात ले लिए हैं और यहाँ पर हम मठरी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आधा केजी मतलब 500 ग्राम हम मैदा इस्तेमाल करेंगे। अब मैदा के साथ हम यहाँ पर में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 4 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बड़े चम्मच से हम 4 चम्मच सूजी ले लिए हैं। सूजी को हम अच्छे से इस तरह से हम छान लेंगे। कस्तूरी मेथी ले लिए हैं, तो यहाँ पे हम मठरी में यहाँ पर में कस्तूरी मेथी डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मेथी, मठरी, और अब यहाँ पे हम कलौजी ले लिए हैं, जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं। इसको इस तरह से हाथ से मसलते हुए हम डाल देंगे। यहाँ पे अजवाइन ले लिए हैं, अजवाइन को भी हम इस तरह से हाथ से मसलते हुए इसमें हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम घी ले लिए हैं, तो घी हम यहाँ पे गर्म नहीं किए हैं, क्योंकि ठंडी का घी ऐसे ही हो जाता है। तो ये मेरे घर का घी है, तो इस तरह से हम घी डाल देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, हम काला नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे नॉर्मल नमक भी डालेंगे, जो डेली यूज में इस्तेमाल कर। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे रेगुलर वाली नमक भी ले लिए हैं। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको हम अच्छे से हम यहाँ पे मोइन देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम मोइन दे दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, हमको जब चेक करना होगा तो हम इस तरह से इसको चेक करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पे देखिए ये मोइन हो चुका है। जब इस तरह का यहाँ पे जब बन जाए, तो समझिए जो आपका यहाँ पे मोइन जो है वो बिल्कुल तैयार है। इससे क्या होता है, जितना हम यहाँ पे मोइन देंगे, उतना मेरा मठरी बहुत क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, हल्का हम गनगना पानी लिए हैं। तो गनगना पानी हम क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सूजी ऐड किए हैं, तो इसीलिए हम गनगना पानी ले लिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में आटा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे टाइट डो लग के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से हमको आटा लगाना है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ हार्ड है। ये इस तरह का हम आटा लगा, चलिए इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूरे यहाँ पर में हम 10 मिनट छोड़ दिए थे। और यहाँ पे देखिए, सूजी जो है वो भी पानी पी लिया है, और आटा बिल्कुल यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टनेस जो है वो आ चुका है। अब थोड़ा सा हम इस तरह से हाथ से मसलते हुए यहाँ पर में हम थोड़ा सा यहाँ पे मसल लेंगे। कि हम आटा को इस तरह से हम चकले पे ले लिए हैं, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोई काट लेंगे। तो इस तरह से हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, एक भाग हम साइड में रखेंगे और दूसरा भाग हम इस तरह से हम, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम गोला बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे, तो परथन लगा लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पे हम बेलन से इसको हम बेल लेंगे, चकला बेलन पे। अब यहाँ पे देखिए, जो इस तरह का हम यहाँ पे पतला बेल लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम फैला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बेल लिए हैं, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस तरह से हम कट लगा लेंगे। और अब यहाँ पे हम इधर से भी हम कट लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से हम काट लिए हैं, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस तरह से हम इसको हम यहाँ पे हम इस तरह से राउंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, यहाँ पे देखिए इस तरह का हम शेप दे देंगे इसको मठरी का। हम थोड़ा सा मैदा ले लिए हैं, मैदा को हम दूध में हल्का सा यहाँ पर में डाल के, और इस तरह से क्या करेंगे, जो यहाँ का जो ऊपर वाला जो मुँह है, तो हम यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि हम चिपकाएंगे तो फिर यहाँ पे खुलेगा नहीं, तो इस तरह से हम लगा लेंगे। थोड़ा ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है। अब यहाँ पे इस तरह से हम इसको राउंड करेंगे, राउंड करते हुए यहाँ पे हम इस तरह से राउंड करते हुए यहाँ पे हम जाएंगे। और अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से हम सारा बना लेंगे, उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में हम इस तरह से हम सारा बना लिए हैं। अब यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा लिए हैं और इसमें ऑयल डाल दिए हैं और गैस हम मीडियम करके ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें हम यहाँ पे हाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बिल्कुल मीडियम करके ही पकाना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई चढ़ा लिए हैं और यहाँ पे ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है और यहाँ पे गैस हमको हाई नहीं करना है, बिल्कुल लो में ही हमको इसको फ्राई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हम एक एक इसमें हम डाल देंगे और ये आप यहाँ पर में इस मठड़ी को आप चाय के साथ ले सकती हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए हम इस तरह से हम डाल दिए हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड कर देंगे और इस तरह से हम हिला लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, बिल्कुल मीडियम करके फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्प हो सके। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अलट पलट करते हुए ये बिल्कुल यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए ये जब फ्राई हो रहा है और धीरे धीरे ये बिल्कुल हल्का हो रहा है, जैसे यहाँ पर में लग रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्रिस्प और यहाँ पे कलर भी देखिए इसका चेंज हो चुका है। तो इसमें हम और बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम करके बिल्कुल यहाँ पर में धैर्य से इसको बनाना है, पेशेंस से बनाना है ताकि ये अंदर तक यहाँ पे क्रिस्पी क्रिस्पी बने। यहाँ पर में आप इसको शाम के चाय के साथ भी ले सकती हैं और यहाँ पर में ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर में लगता है खाने में और बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे हम सभी को यहाँ पे शाम के समय यहाँ पे कुछ चटपट खाने का मन करता है। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है इस तरह से। अब हम इसको निकाल लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और इस तरह से जब आप यहाँ पर में जब करेंगी तो जितना इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे नीचे की तरफ कर दें। तो यहाँ पे देखिए आवाज़ सुन रही हैं जो कितना क्रिस्पी क्रिस्पी है। तो इस तरह से गर्मा गर्मा यहाँ पर में आप लोग के लिए नमक काढ़ा बनके तैयार हो चुका है, जो आप इसको चाय के साथ भी ले सकती हैं और यहाँ पर में आप ऐसे भी खा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर में जब भी आपको कुछ भी यहाँ पर में चटपटा खाने का मन करे तो आप इसको झट से बनाइए और पट से खाइए। तो यहाँ पे देखिए जो ये कितना क्रिस्प है, यहाँ पे देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी बना है। देखिए जो ये कितना क्रिस्पी है, दूसरा भी हम तोड़ के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बनाइए, खाइए और मुंह का स्वाद बढ़ाइए। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे क्रिस्पी और गर्मा गर्म यहाँ पे चाय के साथ यहाँ पर में आप लोग के लिए हम यहाँ पर में इसको नमक पारा भी कह सकती हैं और एक तरह से आपको जो नाम देना हो तो आप दे सकती हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो शाम के चाय के साथ आप इसको ले सकती हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ पर में लाल वाली जो बटन है उसको दबा लीजिए और यहाँ पर मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना प्यारे प्यारे दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ भी शेयर करिए ताकि मेरा वीडियो यहाँ पर मैं सबके पास पहुँचे और यहाँ पर मैं आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह एक चाय के साथ रेसिपी लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।